कौलां जी भलाई केंद्र ट्रस्ट अते भाई गुरिकपाल सिंह जी दी अनमुली देन धार्मिक रसाला सिफत सलाह। इस विच अध्यात्मिक विचार पांच खंड की हन निमरता निर्वैरता दया धीरज घट बोलना घट खाना घट सौना जीवन च कैसा होवे। इस तो इलावा सवालनामा जिंदगी दियां बारीकियां हड बीतियां बाल सिख्या निक्कियां गल्लां वड्डे असर अनमोल वचन अते गुरु दे प्यारियां दा जीवन ए सब खजाना आप जी दे घर हर दो महीने बाद सिफत सलाह रसाले दे रूप विच पहुंच सकता है। रसाला बुक करवाउण लई संपर्क करो 98765-25850। सुन गुरदास बचारत रिदे गुर समझाए न डूबे कदे शब्द आसरे होवो पार शब्द आसरे होवो पार इम निश्चा सतगुर को तार इम निश्चा सतगुर को तार सतसंगत को कहा बुझाई। ये श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दियां पंक्तियां सतसंगत को कहा बुझाई हम हैं मुगद बूझ न पाई हम हैं मुगद बूझ न पाई पवजल गुर को शब्द उधारे पवजल गुर को शब्द उधारे ए बपड़ी क्या नदी न तारे ए बपड़ी क्या नदी न तारे जान के नहीं गल समझ समा कई बार यह बनिया होंदा कि मजबूरी है हुण मुरशद जिहदे के जिंदगी वेची है वह चोला बदल गया तो किन्नी मजबूरी है भी बेड़ी मिल नहीं रही दरिया चढ़िया समा रात ते मैं हुण किवें उडीकां ते सारी संगत नूं कहिंदे आ मैं मुगदा मैं मूड़ा एडा वड्डा भौजल संसार शब्द पार करा दिंदा ऐ निगी जी नदी नहीं पार कराएगा शब्द आए हाय नाल नाल अरदास करियो जिवें पिछले वीरवार कीती सी तुसीं मेरा सिखी सिदक ना जाए मेरे तेरी मेरे करी मेरा सिखी सिदक ना जाए मेरे तेरी मेरे करी मेरा सिखी सिदक ना जाए मेरे ते भी करी तेरा सिखी जाए हाँ मेरे ते भी राधा सोना बेड़ी सवेरे आए भाई गुरदास जी कहते असीं ढीक नहीं सकते पिता जी चोला बदल गया मजबूरी है साईं दे प्यार च मजबूरी है पवजल गुर को शब्द उधारे ए बपड़ी क्या नदी ना तारे एडा वड्डा संसार सागर तो शब्द तारदा ए निकी जी नदी इनू नहीं तराएगा जरा दर्शन करे
आ ब्यासा चढ़िया गया आ संगत खड़ी है सब तो अगे भाई गुरदास जी खड़े महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने नक्शा खिंचया कहिंदे इंज पैर रखिया मूह चों की आखिया सतनाम गुरदास उचारा सतनाम गुरदास उचारा सतनाम गुरदास प्रथम परवेश्यो नदी मझारा प्रथम सब तो पहले आप पैर प्रथम परवेश्यो नदी मझारा सतनाम गुरदास उचारा प्रथम परवेश्यो नदी मझारा सतनाम कह के गुरु रामदास दा ध्यान धर के पैर नदी च पाया सब तो गया ते पाके जाप शुरू करता वाहगुरु 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 पैर धरे शब्द शुरू करता किधरे किधरे भाई गुरदास जी दे हिरदे चों ए पौड़ी भी निकल दी अके नू शक ना रह जावे तां बोल सुने सरा गुणा के सुने से सुने अंधे सुने हाथ इहदा की अर्थ है जी असगाव दा अर्थ है समुंदर तेरी बाणी सिमरन मजबूरी है ते गाजरी लग जे समुंदर भी हाथ जिन्ना रह सके हाथ नहार सुने हाथ होवे असगा सुने हाथ नानक भगता सुने सुने हाथ होवे सुने ओ सुने हाथ होवे पैर धरिया जरा दर्शन करो वाहिगुरु जाप शुरू करता विच विच ऐ पौड़ी हिरदे चो निकले सुने हाथ होवे कोई गुरगपाल सिंह नहीं कह रहा तुहाडा इतिहासक ग्रंथ जिक्र है सिमरन करदियां पैर धरण दी देर सी ब्यासा दा जल गोडे गोडे हो गए गोडे गोडे हो गए जानू लग जानू दा अर्थ जी गोडा जानू लग जल पासलता को जल गोडे गोडे हो गए संगत सगल देख करता को सतनाम को उचरो अच्छे भाई गुरदास जी कहते मैं नाम बोली जाना वा ते तुसी संगत जी लंगी जाओ लंगी जाओ जदों सारे लंघ गए ते कवि भाई संतोख सिंह जी ने कहा सतनाम को उचरो अच्छे गमन कीन आप बाद भाई गुरदास जी गमन कीन गुरदासे पाछे सब तो पिछों आप लंगे गुर का बचन बसे जीना गुर का बचन बसे जीना ओए जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले पाए ना सके जले गुर का बचन बसे जी का बचन गुर का बचन बसे जी नाले परचा ना पवे लेकिन अंदर सच होवे वड्याई दी भुख ना होवे ते इकला वरत दी कम जायज होवे
भाई मनी सिंह दी टकसाल चों ज्ञानी कृपाल सिंह होर राइटरां ने भाई वीर सिंह जी ने होर राइटरां ने जिक्र लिखे जरा दर्शन करियो जिक्र दे शंका ना रह जाए तां जरा बोली अकाली फूला सिंह ते हरी सिंह नलुआ जदों ए जंग दे मैदान विच संगत जी खबर मिली चढ़ाई कर गए बड़ा इन्हां दा दबदबा ना सुन के कंबदे सी मुगल महाराजा रणजीत सिंह नूं उसे वेले फौजां लैके आप निकलना पिया जदों पता लगा अकाली फूला सिंह हरी सिंह नलुआ दोवें वड्डे जरनैल चढ़ाई गए हुण जदों फौजां लैके निकले महाराजा रणजीत सिंह ते अटक दरिया चढ़िया होया दरिया चढ़िया हुण फौजां लंघणगे ते तुहानूं इक गल सुण के खुशी होएगी महाराजा रणजीत सिंह संत सेवी होए नाम जपण वालियां दी निंदिया नहीं सी करदा सत्कार पावां महाराजा रणजीत सिंह ने उस वेले बेनती की बाबा वीर सिंह औरंगाबाद आलिया कई संगतों नूं नहीं पता बाबा वीर सिंह औरंगाबाद वालिया दे तकरीबन 400 गुरद्वारे और यह गल माण नाल कहने आ बाबा वीर सिंह औरंगाबाद वाले बाबा साहिब सिंह बेदी तो है बेदी कोल और एक गल दे उत्ते जकारा तकड़ा छड्डियो बाबा साहिब सिंह बेदी कौन होए ने जिहड़े साडे बाजियां वाले दे हुक्म नाल पैदा होए नोट करियो बाबा साहिब सिंह बेदी साडे पिता जी घोड़े ते जा रहे सी ਐ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲਈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਜਾਂ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਬਾਜਿਆਂ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਧਰੇਣਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੋਡੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਬੇਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੇਣਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਭੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੋਡੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ ते वंश चलनी शुरू हो जाएगी ते उस वेले बाबा कलाधारी जिन्हां दी इन्नी कमाई बाजां वाले नूं कहिंदे असी प्रण करदे आं असी अपने पोतरे नूं अमृत छकावांगे उत्थों शुरू करदे आं असी तुहाडे नाल वचन करदे आं प्रण करदे आं असी अपने पोतरे नूं अमृत छकावांगे साडा बाजां वाला दयालता दे घर च आ गया ते घोड़े ते खड़े खड़े बैठे बैठे कहिंदे बाबा कलाधारी जी उस पोतरे का नाम असी अज ही रख देने पोतरे का नाम बाबा साहिब सिंह बेदी रखे बाबा साहिब सिंह बेदी ने हा ये कलगियां वाले बच्चे नाल पैदा
ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਸੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਚਲਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਰਸ ਹੋਜੂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅਟਕ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੇੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾਓ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੁਰ ਕਾ ਭਜਨ ਵਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੁਝ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਸਰੀਰ 40-50 ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ
अरदासां करो सदक वालियां दा संग देवी मैनू माण ना आवे परचा ना पवे भाई गुरदास जी जिन्हां दा जीवन सुन रहे हो शरदा सदक एहो अगले वीरवार अगे चलेगी अजे उन्होंने सदक किदे किदे च भरिया भाई गुरदास जी का सिदक ओ वाली भगती असी भी करी उन्हां दियां वारां चों भी कुछ जिक्र नाल अगली बारी महाराज दवावे भाई गुरदास जी का एडा सिदक कहिंदे मजबूरी है जान के नहीं बेड़ी मिल नहीं रही मुर्शद चढ़ाई करके उड़ीक सकदे नहीं किवें टिकी है भवजल गुर को शब्द उधारे ये बपड़ी क्या नदी ना तारे जेड़ा शब्द भवजल पार उतार कर देंदा निकी जी नदी नहीं पार कराएगा कहंदे जदों शब्द जपदिया नदी च पैर धरिया ते सुनिया हाथ होवे आ कला वापर गई सतनाम को उचरो अच्छे गमन कीन गुरदासे पाछे सारी संगत नू लंघा के फिर आप लंघे एहो जे सदक वाली रूह दी आप जी जीवन अज 52वें भाग विच सरवण कर रहे हो अगली बारी भी इसे तरह महाराज अगे एहे प्रकरण दी सेवा लैण मेरा सिखी सिदक ना जाए मेरा सिखी सिदक ना जाए भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ते भाई हरविंदरपाल सिंह जी लिटल वल्लों 13वां जप तप अरदास समागम अते 12वां सलाना समागम जी दया परवान
3 दिसंबर दिन शनिवार शाम 5 बजे तो रात 1 बजे तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ई ब्लॉक भाई रणधीर सिंह नगर लुधियाना विखे करवाया जा रहा है, जिस विच संत महापुरुष अते पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे संगतां नूं गुर शब्द नाल जोड़नगे। 3 दिसंबर शाम 5 बजे अमृत संचार भी होवेगा। इस संबंध विच ही लुधियाना दे वख-वख गुरुद्वारां विच शाम नूं विशेष गुरमत समागमां दी लड़ी तहत 26 नवंबर नूं शाम 6:30 बजे तो 9:30 बजे तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुरानी सब्जी मंडी, 27 नवंबर नूं गुरुद्वारा गुरु नानक प्रकाश फेज 1 लेबर कॉलोनी दुगरी, 28 नवंबर नूं गुरुद्वारा सागर सलेम टाबरी, 29 नवंबर नूं गुरुद्वारा चौथी पातशाही शिवाजी नगर गली नंबर 4, 3 नवंबर नूं गुरुद्वारा कलगीधर श्री गुरु सिंह सभा फील्डगंज, 1 दिसंबर नूं गुरुद्वारा श्री हरकिशन साहिब जी धर्मपुरा, 2 दिसंबर नूं गुरुद्वारा दशमेश सिंह सभा भाई रणधीर सिंह नगर जे ब्लॉक विखे होणगे। इन्हां सारिया समागमां विच आप सब संगतां नूं परिवारां समेत समय सिर दर्शन देण दी बेनती कीती जांदी है, अते नाल ही साध संगत नूं बेनती है कि आप जी वल्लों कीते जा रहे खुले पाठां दा 13वां जप तप अरदास समागम लुधियाना विखे होवेगा। आप जी तो सतगुरु जी ने कितनी सेवा ली है, आप जी ने 3 दिसंबर दिने तक इन्हां नंबरां ते लिखवाउण दी कृपालता करनी जी। विशेष सहयोग माता विपन प्रीत कौर जी, सरदार मनिंदर सिंह जी आहूजा अते सरदार हरभजन सिंह जी।